साथियों, एक हमारे प्यारे वर रक्षक जिनकी पिशोर में शिवपुरी में पोस्टिंग है, वो आज मिलने के लिए आए हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो पंचायती इलेक्शन है और जो 8 जनवरी को कॉन्स्टेबल का एग्जाम होना है, स्टेटमेंट कार्ड अभी तक नहीं आया है, उनकी क्या चांस है होने के, ये अपनी राय दीजिए प्लीज़। देखो दोस्तों, ऐसा है कि अभी वर्तमान में क्या है कि चुनाव तो कैंसिल हो गए हैं, और रही बात ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन वर्जन है वो आने वाला है, तो मेरे ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जो MP पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम है थोड़ा डिले हो, क्योंकि अभी सुनने में आया था कि जनवरी में उसका एग्जाम होने वाला था, लेकिन उसकी मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है अभी एग्जाम होने की। अभी देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या बताती है। मेरे हिसाब से तो अभी जनवरी में होंगे नहीं, या फरवरी या मार्च तक हो सकते हैं एग्जाम। तो देखिए, ये इनकी पर्सनल राय है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि कल एक नोट एडमिट कार्ड आया है कल, जिसके 2 तारीख से एग्जाम, वो छत्तीसगढ़ का आया है, SSC करके एक वैकेंसी आई थी, उसके एडमिट कार्ड आए हैं। तो स्टूडेंट मेरे कमेंट कर रहे हैं कि सर उसके लिए तो हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। भाई इसमें कितनी पोस्ट थी मालूम है? उसमें मात्र 6 पोस्ट थी, SSC की 6 पोस्ट थी छत्तीसगढ़ में, और लगभग 2000 फॉर्म भरे होंगे, आराम से कह सकते हैं। हमारे कॉन्स्टेबल में 12 लाख फॉर्म भरे हैं, कितने? 12 लाख, समझ सकते हो? 2000 बच्चों को एग्जाम कराना और 12 लाख को एग्जाम कराना, कितना अंतर है आप समझ सकते हो। तो कोई ये ना कहे कि सर वहाँ के तो हो रहा है, वहाँ तो, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी सोच कंडीशन अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। तो अभी तक तो यही है कि एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए हैं, तो उसका कुछ और रीज़न हो सकता है। बाकी मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में क्या है, कोर्ट की वैकेंसी निकली है, और जो कोर्ट की जो वैकेंसी निकलती है उसका क्या, सरकार से कुछ लेना देना नहीं होता, उसका कोर्ट ही एग्जाम कराता है। तो जो भी व्यक्ति जिनके पास CPCT है, तो वो कोर्ट की तैयारी कर सकता है, कोर्ट का फॉर्म डाल सकता है। समझ सकते हो, CPCT आपके पास है तो आप कोर्ट में अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं तो आपको हो ही जाए। कोर्ट के लिए उसमें क्या है, आपके लिए एक तो CPCT चाहिए, उसमें टाइपिस्ट की जॉब निकलती है, और स्टेनोग्राफर चाहिए। स्टेनोग्राफर से आप स्टेनोग्राफर बन जाओगे, इसके लिए स्टेनो का डिप्लोमा चाहिए, वो 1 साल का होता है। और हमारे शिवपुरी में सबसे ज़्यादा स्टेनो के स्टूडेंट मिलते हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिवपुरी का स्टूडेंट हर ज़िले में आपको मिलेगा स्टेनोग्राफर, जो कोर्ट में रहता है। आप किसी भी ज़िले में किसी भी कोर्ट में जाके संपर्क कर लेना, उससे पूछना कि वो शिवपुरी का एक ना एक बंदा आपको वहाँ पर मिलेगा जरूर। तो देखिए, ये हमारे जो सुनील यादव वन रक्षक हैं, ये पहले बहुत अच्छे टीचर थे, और इन्होंने MPPSC का प्री निकाला, मेंस दे चुके हैं, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं, नहीं आया ना अभी रिजल्ट, नहीं आया उसका, 2019 वाला, 19 वाला बेट में है मेंस का। और ये और 2016 में जिस टाइम मेरी इसमें फॉरेस्ट में ज्वाइनिंग हुई थी, उसी टाइम मेरा कोर्ट का भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकला था, हुआ था। उसके बाद जिसकी मेरी रतलाम ज्वाइनिंग थी, तो उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये होम जिले में मेरे को यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जॉब मिल गई थी, इस चक्कर में मैंने वो कोर्ट वाला एग्जाम ज्वाइन नहीं किया था। तो इसके बाद भी आपने शायद एक और एग्जाम निकला था कोई सा? हाँ, एक मेरा एग्जाम और निकला था, जो मंत्रालय में था, शिक्षा विभाग में था, स्टेनोग्राफर का वो भी था। उसकी मेरी भोपाल में सतपुड़ा भवन में ज्वाइनिंग थी, उसमें मेरे 189 नंबर आए थे, और उसमें मेरी जो सतपुड़ा भवन में टॉप रैंक आई थी, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक पर था उसमें। अब देखिए, इनकी इतने सारे एग्जाम निकले हैं, तो इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहिएगा, बीच बीच में बिल्कुल गाइड करते रहिएगा, और बताते रहिएगा कि इनको कैसे क्या पढ़ना है। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको बता दिया, अपलोड कर दिया करूँगा। जो भी आपको इनसे पूछना है, आप कमेंट करिए, मैं इनको बता दूंगा, फिर ये वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, कॉन्स्टेबल का एग्जाम का यही है कि बिल्कुल अभी कोई देखिए 50% है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। आपके फ्यूचर के लिए मैं बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक, हमेशा लगे रहिए तैयारी में, कभी हताश नहीं होइए, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, आपको जॉब जरूर मिलेगी, और जो भी है हमेशा मोटिवेट रहिए। तो देखिए, आपको इनसे जो भी कुछ पूछना है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो कुछ तो मतलब समझ रहे हो, तो इनसे जो भी आपको पूछना है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट करिए, ये कमेंट का आपको जवाब भी देंगे, और जवाब के साथ में आपको वीडियो बना के आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, तो जब भी मेरी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तो दोस्तों, और MP कॉन्स्टेबल का वही रहा है कि अभी 50% कह सकते हैं, 50 देखिए हमारी तरफ से 80% की नहीं होगा, लेकिन आप गवर्नमेंट को जानते हो, PV पर भरोसा, PV पर करना सबसे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ़ी है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, हम भी नहीं करते, ना ही स्टूडेंट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उस पर भरोसा नहीं हो पाता ये, क्योंकि बहुत बार एक भरोसा, एक बार तोड़ना, दो बार तोड़ना, तीन बार तोड़ना, अब कितनी बार तोड़ के अब ऐसा हो जाता है कि प्रत्यक्ष अगर तुम्हारा राम ने रखोगे तब भी भरोसा नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है, PV पर भरोसा होता नहीं है। लेकिन हमारी जो पर्सनल राय है, तो SSA के बारे में मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी SSA की, उसके एडमिट कार्ड इसलिए आए कि मात्र 6 वैकेंसी थी, 2000 फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम करा लेंगे। हमारे यहाँ 12 लाख फॉर्म भरे हैं, तो कुछ कंडीशन अलग है, कुछ सिचुएशन अलग है, एग्जाम भी अलग है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तक तो न्यूज की इन्फॉर्मेशन ये थी, जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।